जख्म पे मरहम लगाने हम गए दादा, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक आज में परिवार में दोस्तों में इतना प्यार और मोहब्बत था कि एक दूसरे को जरा भी तकलीफ हो तो उस पे मरहम लगाते थे। आज जो है जमाना वो ये है कि लोग मुट्ठियों में नमक लेके फिरते हैं, लोग मुट्ठियों में नमक लेके फिरते हैं, अपने जख्म हर किसी को दिखाया ना करो। वाजी वाजी। क्या जख्म लेकेगा नमक डालेंगे। वाजी कोई हाथ सब ऐसे नहीं होते, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। करती हो, जिनके दिल में रही हो उनको भूल गई। अरे मरवा दिया, मरवा दिया, अबे इसमें शेर किया जाए, कुछ शेर अर्ज करिए आप, इसमें शेर कह दीजिए आप कुछ। बहुत तुकबती है, शेर नहीं है ये। दिल दो एक को, दिल दो एक को और किसी नेक को, ये प्रसाद नहीं है जो बांट दो हर एक को। क्या बात है, क्या बात है। अब तो इस पे तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लो राम जी अगर बुरा ना लगे। मुझे
Thank you.
दिल लगाया मोहब्बत ने समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से दिल लगाया मोहब्बत ने समझाया यही ना समझा मोहब्बत ने बोला many happy returns of the day. All of you, please stand. Don't start crying. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The epitaph on the grave of a virtuous woman. Read like this. And here lies the body of Margaret Dias. That was her name. Here lies the body of Margaret Dias. She was, in life she was noisy but very, very pious. Well, all pious women are very noisy. She lived to 80, but she gave to worms what she would not give to men. याद आ गया वो शेर सुन लीजिए ये दौरे तरक्की भी कलयुग की निशानी है ये दौरे तरक्की भी कलयुग की निशानी है बच्चों पे बुढ़ापा है बूढ़ों पे जवानी दादा राम जेठमलानी साहब तो वो इतेशन है केक अच्छी कटन भेण सुंदरी के वर्दा उनकी सिस्टर्स के वो भी इतेशन है उन सा गड मार्च क्या तो मिस्टर सुरेश केसवानी साहब के वो भी असा गड इत शामिल थे रंजीत भुटाणी असि भेण शोभा चंदाणी सभी प्लीज इतने अचो दादा प्लीज अचो दिस यू कांट बीट इन वल्गैरिटी व्हाई डज अ हनीमून नॉट लास्ट फॉर मोर देन 7 डेज एक बार नव दिन लते बते 10 दिन बिकॉज़ इट मेक्स द होल वीक मुझा दोस्तों असांजे सिंधी समाज जो असांजे सिंधी कौम जो भीषम पितामह अज पंजा 84 साल पूरा करे 85 साल में कदम रखी रहा है मां चाहिंदुस त जोरदार ताड़ियों से उनकी दी करे उनके उनके जन्म दिन जो मुबारक हो जाऊं साईं दरी या आराधना के साईं केसवजी आयु दे सुधी सेहत बख्शे ये अना अना वो पहले कम्युनिटी लाइफ समाज ने कुछ करना रहा है यार मार्च कंदो सुनन दी सिस्टर के बहन सुंदरी किथे आहे प्लीज तवाचो
जेठमलानी साहबला जेत्रो चाहिए उत्रो थोरो आहे रोशन दिमाग मोहब्बत सा भरेल दिल बुलंद इरादा मजबूत इरादा साईं है मुके कुछ गाले दादा का पुछणी होयो मा उने ल्यास का ही माइक पकड़यो है त साईं हुन के तमाम शीरीन जबान दिनी आहे समझाण जो एकड़ो अनोखो अंदाज आहे साईं ने वेझड़ाई में किथे इन्हन के चीफ गेस्ट करे घुराए वियो हुनन जे नमूने सा उन्हन के समझायो मुसलमान औरतन पंजा बुड़का लाए मर्दन जे सामो फिटी के मा चाइनो स्वागत था सा ये बुड़का के लसा कर्मयोगी इंसान है सिंधियत जे हर कार्य में अग्रा है सिंधी समाज के जड़े में इन्हन जी जरूरत पई आ है हर मोड़ ते इन्हन असा के साथ दिनो है असा जी रहबरी कई है रयानु मनाती करे असा सा ही हमेशा कुलो कुलो समलाए बीठा है ओ भले सिंधी बोलिया के अठे शेड्यूल में आने जी गाल हो जे या कौमी तराने मा सिंधी लफ्ज के कढण जी हो जे या लेह लद्दाख में सिंधु धारा के उन जो नालो सिंहगढ़ करण जी गाल हो जे हर गाल में उन्हन असा के सिंधी समाज के साथ दिनो है कृष्ण जे ज्ञान गीता जे उन उपदेश में विचार रखंदड़ उन में पंहिंजो अकीदो रखंदड़ त कर्म करणु घुरिजे कर्म योगी इंसान खां मां हिकु सिर्फ़ु ॻाल्हि पुछणु चाहियां थो त तव्हांजे जवानी जो राज कहिड़ो आहे इहो कृष्ण जे गोपनि वारो राज त न आहे त गोपियूं तव्हांखे घिरी पयूं आहिनि चवंदे पासे त इन आओ अॼु अचो त हिकु दफ़ो वरी हुननि खे मुबारकबाद ॾियूं ही शख़्सियतूं जेके आहिनि ही सदियुनि में साईं जेको आहे पंहिंजे रहमत सां मोकिले थो हीअ उहे समाज जी दरावत आहे जंहिंजे लाइ असांखे नाज़ आहे सिंधी समाज हमेशह राम जेठमलानी जे रहनुमाईअ में अॻियां वधंदो रहंदो अॻियां वधंदो रहंदो गुल न पर सॼो बाग ई खणी आयो आहे ऐं हिते अचण में हुन लेट हिन करे कई अथनि फोटा लेट मिलिया राम जेठमलानी सिंधियत में इंडिविजुअल आहिनि कोन इंस्टीट्यूशन आहिनि दादा जा जेके पर्सनैलिटीअ जा अलॻि अलॻि पहलू जंहिंजी ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं राम जवाहरानी रखियूं उहो मां सम्झा थो हिकिड़ो ॾाढो संक्षिप्त में बयानु आहे हीअ ज़िंदगी जेका हिननि जी करे ॾेखारी आहे भारत जे केॾनि मसइलनि ते
फेनन पेंजी प्रेस्टीज सजी सिंधत जी प्रेस्टीज एकरी पर्सनालिटी भारत जे सामो रखिया एकरी विचारधारा रखिया इंसान ते दुनिया में पे इंदा है ये विचारधाराओं अगते हलन जाए ये विचारधाराओं जेके असा जे पार्लियामेंट में असा के नजर आए हरन जी शख्सियत जे स्वरूप में एंड देन हिज हेडी ऊंचाई ते पोस्टर जे बावजूद हरन में अपमान जो एक अंश भी को एक टको भी को हरन जे लेवल जी पर्सनालिटी जे मानू पार्लियामेंट में मा हेडा रेठा है मुखे हिकड़ो भी नजर कोन आयो हिकड़ो भी को तो असान जो हिकड़ो वड़ो सद्भाग्य है जो असान जे विच में दादा राम जेठमलानी आहिन ए असान के ये हुनन दा बर्थडे मनाने जो मौको मिले तो हनन जे बारे में जे को चयो गया उन्ने खान घणो घणो वधिक चयो वेंदो अज खां पोइ जे इतिहास में कोई अगर ये गाजो दर्श कर एंड दर्ज जरूर थे असान सभी जा तहां सा टोटल असान जा डेडिकेशन सा है असान जा प्यार है असान जा कुर्ब है एंड असान जी तहां तहां वट टोटल जेका छाचे जे ओबीडियंस सा है असान के तहां मेहरबानी करे असान जी गुड विशेस के उन्हीं ही प्यार सा एक्सेप्ट करना जय प्यार सा साथ ही रहे सो है एकड़ी मकनातीसी शख्सियत है मिस्टर राम जेठमलानी एक चकमक है जुम्बक वांगर पान तरफ शिकन था उनमें वे लासा निकारिया है एकड़ो नंडो इंसिडेंट मके याद तो अच्छे पे तो ही मानन ते इतरो ही बुदो होंदो त खोनन जा डकेतन जा केस खणन था त सख्त दिल हुंदा सच पची नाही मासूम दिल जा मालिक है ॿ साल अॻु लंडन वञण थियो सिंधी सम्मेलन ते सिंधी सम्मेलन जे आख़िरी ॾींहं ते झूलेलाल जो पलउ थियो उन खां पोइ चयो त ब्रह्म कुमारियुनि जे आश्रम ते हलणो आहे उते हली करे ब्रह्म भोजन वठणो आहे सो दादा सां गॾु हुते पहुतासीं होटल में जंहिंमहिल वापसि अची वेठासीं त दादा चयो त बाबा हुते ब्रह्म भोजन जेकॾहिं इहो पियो मिलियो त पोइ स्वर्ग में वञणी ज़रूरत आहे छा सो विस्की खणी करे जंहिंमहिल वेठासीं त मूं दादा खां हिकिड़ो सुवालु पुछो त दादा तव्हां जंहिंमहिल झूलेलाल जो पलो थिए पियो त ॾाढा सीरियस आहियो छा पे सोचियो छा पे अंदर में तव्हांजे हलियो त हुननि जे अखियुनि में ॾिठुमि पिए त ॼण हिकिड़ो नम पिए थियो पाणी पिया त मुंहिंजी टे ॻाल्हियूं मूं हुन झूलेलाल खां साईंअ खां हुन परमात्मा खां जेके तव्हां नालो जेको ॿियो था पिया उन खां मूं घुरियो त हिकु असांजे सिंधी समाज हुनजी रक्षा कर ॿियो मुंहिंजी वाइफ जंहिंजो हींअर चलाणो थियो आहे उनखे साईं पंहिंजे चरणनि में वास ॾे टियो मुंहिंजे पिता साहिब ऐं मुंहिंजे ब्रदर जी तबियत ठीकु थिए ऐं पुट बि सॉरी आई एम सॉरी इहे टे ॻाल्हियूं चयूं तंहिंखां पोइ अचानक अलाए कीअं उन्हनि खे यादि अची वियो चई भला पोपटी हीरानंदाणी कीअं आहे चयो दादा हुनजी तबियत बि नासाज़ आहे चए पर हुनखे कुझु ख़र्चु वर्च कुझु पहुचे थो हुनजी दवा धर्मल कीअं थी हले पई मुंहिंजो दादा मणी ॾुखियो सुखियो हले थो चई न तूं जॾहिं बॉम्बे वञे पहिरीं इहो कमु कर जेको हुनखे खपे जेतिरो बि खपे मूंखां न पुछजांइ पहिरीं तूं हुनखे पहुचाइजांइ रुपयो हुजे लख हुजे जेको बि अमाउंट हुजे हिकु मासूम दिलि आहे अंदरि हुननि खे केयर करण जी पंहिंजे कलाकारनि लाइ पंहिंजे जातीअ जे हुननि सजणनि लाइ जेकी जाति लाइ कनि था पिया त इहे शख़्सियत जेका आहे उहा वेझो अचण जे मूंखे पोइ ख़बर पई आहे त भई हिननि जे दिलि में केतिरो क़दुरु आहे ॿियनि जे लाइ केतिरो कुर्ब आहे केतिरो प्यारु आहे सो हिननि जे किनारनि ते दिलि जी मोहबत ई मोहबत भरियलु आहे त हाणे हिन मोहबत जो राज़ पुछंदासीं असां पर कुछ वॾा दोस्त हिते आहिनि जेके सिंधी कोन था सम्झनि ऐं तई सभु जेके सिंधी हिते आयो से अंग्रेज़ी बि सम्झो था हिंदी बि सम्झो था हिंदुस्तानी बि सम्झो
तव्हांजे अनुमतीअ सां तव्हांजे परवानगीअ सां माफ़ी थो घुरां ॿ चारि लफ़्ज़ जेके मूंखे चवणा आहिनि या अंग्रेज़ीअ में या हिंदुस्तानी में पर इहा ॻाल्हि मां कॾहिं बि कोन विसारींदुसि त मां सिंधी समाज जो हिकिड़ो छिड़ियल पिछड़ियल छोकिरो आहियां ऐं सिंधी बुज़ुर्ग जेके आहिनि हुननि जे चरणनि में मां वॾो थियो आहियां ऐं जेके बि मूं पढ़ायो आहे ज़िंदगीअ में सो पंहिंजे सिंधी समाज जे हुब मोहबत हुनजे मदद ऐं सहयोग सां सहयोग फाउंडेशन आहे हिननि जे मदद सां मां जेकी पढ़ायो आहे सो मुंहिंजे हथ में आयो आहे हिनजे करे मां अहिड़ो कॾहिं बि नालाइक़ु न थींदुसि जो पंहिंजे समाज खे भुली वञा ऐं हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि जेका आहे सां मुंहिंजे हिते फलसुफ़ीअ जो हिकिड़ो जुज़ो आहे कन्विक्शन आहे विश्वास आहे त जो माण्हू पंहिंजे समाज सां वफ़ादार न आहे सो कंहिं सां बि वफ़ादार थी कोन थो सघे पंहिंजे कुटुंब सां वफ़ादारी शुरू थी थिए तंहिंखां पोइ पंहिंजे समाज सां तंहिंखां पोइ क़ौम सां तंहिंखां पोइ दुनिया सां I have always told my young lawyers whom I meet, मां पढ़ाईंदो आहियां कॉलेजनि में when I qualified for the bar, I went to a very successful leader of the bar and asked for his blessings. उन मूंखे जो सबक सेखारियो that lesson that he taught me, I have not forgotten till today. He told me that Ram, when you get into this profession, a time will come when you will lose the case. Doesn't matter if you lose the case, but see that you don't lose the client. That was the first part of his advice. The second part of his advice was still better. That a time will come when you will lose the case as well as the client, but see that you don't lose the court. The third was the climax, third part of his advice. He says, lose the case, lose the client, lose the court, but don't lose your conscience. Wow. So, in the nasihat pe mu tamam ghani koshish kahi aaye, tani ji pairvi the, that I should follow this great advice. Ma sant na aya, mahatma na aya, मां हिकिड़ो पापी आहियां मूंखे क़बूल करणो पवंदो कॾहिं न कॾहिं मां हिन नसीहत खां शायदि परे हली वियो आहियां ऐं हुनजी पैरवी न थी आहे पर आई थिंक दैट बाय अ लार्ज आई हैव ट्राइड टू लिव अप टू दैट एडवाइस एंड आई एम नॉट अनहैपी मे बी आई माइट हैव बीन अ मोर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन but I would have been certainly a less of a human being than I am today. Wow. You mentioned that incident when you asked me those questions. Today I am in the same condition. So much of affection, so much of love, so much of respect given. Doesn't make your head swell, but it certainly brings tears to your eyes. And I must tell you that I have controlled my tears with great difficulty. Ladies and gentlemen, love is not a system of integral calculus. Love is not measured by the response of the beloved. Love is measured by what you are prepared to sacrifice for it. And if I deserve your love, be sure that mentally, intellectually, I am prepared to make as much sacrifice and perhaps more.
अगर कोशी ने जो गाना गाया कहा कि प्रेम और मोहब्बत का जो सड़क है वो बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मुश्किल नहीं है। मुश्किलात सिर्फ ये है कि मोहब्बत से हिसाब किताब निकालना चाहिए, मैंने इतना दिया मुझे क्यों नहीं मिला। लव डजंट गेट रजिस्टर्ड इन अ बुक ऑफ अकाउंट, उसको छोड़ दो तो आपकी मोहब्बत जो होगी पवित्र भी होगी और उसका जो आपको उजूरा मिलेगा उसका जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो आप उनका ख्याल नहीं कर सकते। तबस्सुम तुमने तो कहा कि तुम 60 बरस की हो, ग्रैंड मदर हो गई हो, तेरे शान में ये कहना चाहता हूं कि मैं 84 बरस का हूं, तुम 60 बरस की हो, यू आर नॉट आउट ऑफ बाउंड फॉर मी। यू मे बी अ ग्रैंड मदर बट आई एम अ ग्रेट ग्रैंड फादर, सो देयरफॉर डोंट वरी अबाउट the age difference. Perfectly all right. Thank you, sir. And these are the ultimately, laughter is the best medicine. Yes. And with that best medicine, you can make others happy. I am a Hindu. I am born a Hindu. I have studied Hinduism, not in the manner in which our great philosophers like Shankaracharya have studied it, but I believe that I have studied enough of it. I have studied enough of other religions too. I have come to one conclusion, that religion has probably brought satisfaction, sometimes hope to the forlorn, giving you some idea of the next life where you believe that justice will be done to you when injustice has been done here. All this is okay. I believe that religion has a very bad balance sheet. Only the other day when I was speaking in United States at the Aligarh Alumni World Association, I told them that the amount of blood which has been spilled in the name of religion, all the navies of the world can float in that ocean. I am an enemy of jihads and inquisitions and all kinds of persecution which has gone on. And today, believe you me, this world is a dangerous place because of religion. If there was no religion, this world will be a much safer place. And that makes me more proud of my Sindhis. Sindhis learned their secularism from the milk of their mothers. Sindh is one place where the Sufi doctrine prevailed, where Muslims regularly worshipped at Hindu shrines, and Hindus regularly worshipped at Muslim shrines. That Shehbaz Kalandar ka song that you hear, and that song makes every Sindhi mad. It brings so much emotion in me that I really become mad and I would love to dance with that song. That shows that Sindhis don't have to learn secularism. Sindhis have to teach secularism to the rest of India. Unfortunately, our community has not received the recognition that it deserved. But we are not badly off. I don't think Sindhis must go and beg before the government for this favor and that favor and this bounty and that bounty. We Sindhis are doing very well in the whole of the world. The whole world is our state, is our own territory, and we don't have to be ashamed of it. Lastly, let me say one thing, or rather two things. You asked me that question,
what is the secret of your behaving young? I don't pretend that I am young. Only the wearer knows where the shoe pinches. I can't tell you the secrets of what I did at 25 and what I can't do now at 84. But I can tell you that the tragedy in my life is not so great. The question that you asked me was asked from me by my Prime Minister, then Prime Minister Atalji. Ram, what is this? What is the secret of your being so, behaving so young anyway? So I told him, I said, Atalji, you are only a poet and a Hindi speaker. You are not a reader of history. So he said, now what is there in history? I said, in history, there was a king called Solomon. King Solomon has left a prescription for youth. He said, what was that prescription? I said, listen, he didn't leave a drug. What he said was that the older you get, the younger should be your company. I mean, he misunderstood. Obviously, he misunderstood. So to correct his misunderstanding, he thought that it means that you have to sleep with young women. I didn't mean it. I told him, Atalji, I keep the company of the young because it is my hobby to go and teach in a college. In spite of my practice, I go to Bangalore to teach, I go to Pune to teach, I teach in Delhi. I taught during the emergency when I was a refugee and got asylum in the United States. So I keep company with the young. And today, believe me, the young which are being produced as a result of these competitive examinations particularly, they keep their teachers on their toes and they are sometimes brighter than their teachers. As you see in my college, every year there is a campus recruitment. Lawyers firms come, corporate companies come, they come to recruit our young boys. And without their passing the LLB examination, they are offered salaries which are twice the salaries of the professors who teach. These are our young people, and it is the future of this country lies in the hands of our youth. But our youth have to be educated not by these mullahs who teach in the madrasas, not by these subnormal teachers who teach in our schools. As Oscar Wilde used to say, that those who are incapable of learning have taken to teaching. Free of cost, I was happy to रत्ना राम जेठमलानी जे नाले सा आर्ट एंड साइंस कॉलेज जी योजना करे रहा हूं जो को जल्द असा उन के अमली जामो पैराइंदासी एंड वो प्लॉट असा के मिली चुको है जस्ट बाकी कंस्ट्रक्शन जो काम असा शुरू करनासी जस्ट आज ये शुभ मौके थे जेठमलानी साहब जे जन्म दिन थे यासी अनाउंसमेंट वाओ